नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। आज हम बनाएंगे नींबू का बहुत ही टेस्टी और चटपटा अचार। नींबू का अचार टेस्टी होने के साथ साथ ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। और जिस तरीके से हम ये नींबू का अचार बनाएंगे, ये हमारी सेहत के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम इस नींबू के अचार में तेल का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इस अचार को धूप में भी रखने का कोई झंझट नहीं है। हम बिना धूप के ही ये अचार बनाएंगे और सबसे अच्छी बात, इस अचार को सालों साल आप स्टोर करके रख सकते हैं, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा और इस अचार को बनाते ही तुरंत खा सकते हैं। और लास्ट में हम ऐसी दो चीज़ें बताएंगे जिसको आप अचार में डाल देंगे तो अचार 1 साल 2 साल या 5 साल तो क्या सालों साल तक भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए बनाते हैं नींबू का बहुत ही टेस्टी और चटपटा अचार। अचार बनाने के लिए मैंने 1 किलो नींबू लिए हैं। नींबू का अचार बनाने के लिए नींबू बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, यानी कि नींबू ताज़ा होने चाहिए। मैंने इनको 3 बार नॉर्मल पानी से और 1 बार गुनगुने पानी में 2 चम्मच नमक डालकर भी इनको अच्छे से धोया है। काफ़ी लोग कमेंट करके ये बोलते हैं कि आप जिस भी सब्ज़ी का अचार बनाते हैं तो सिर्फ बताते हैं कि इस सब्ज़ी को कितनी बार धोया है, आप सब्ज़ियों को धोकर नहीं दिखाते हैं। तो मैंने नींबू को धोते हुए इसलिए नहीं दिखाया है, क्योंकि यदि मैं नींबू को धोते हुए दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको दोबारा से बोल रही हूँ, गुनगुने पानी में नमक डालकर नींबू को ज़रूर धोना है, क्योंकि नमक प्रिजर्वेटिव होता है तो नींबू अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और जब अचार डालने के लिए नींबू खरीदेंगे तो एक बात का ध्यान जरूर रखना है, नींबू पतले छिलके के होने चाहिए, यानी कि कागजी नींबू होने चाहिए। यदि नींबू के छिलके मोटे होंगे तो अचार तो बन जाएगा, लेकिन अचार काफ़ी दिनों में तैयार होगा, यानी कि अचार को गलने में टाइम लगेगा, इसलिए पतले छिलके के नींबू लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नींबू आप किसी भी साइज़ के ले सकते हैं, छोटे या बड़े। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि नींबू ख़राब नहीं होने चाहिए, नींबू ताज़ा होने चाहिए। नींबू का अचार डालते टाइम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो भी आपका अचार लंबे टाइम तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। आप इनको साइड में रख देंगे और दूसरी प्लेट में नींबू को काट लेंगे। मैं 1 नींबू के 4 पीस करूंगी। आप अपने हिसाब से नींबू को छोटे बड़े पीस में काट सकते हैं और जो ये इसके बीज हैं इनको एक साइड में निकालते जाएंगे। काफ़ी लोगों को तो अचार इतना ज़्यादा पसंद होता है कि वो बिना अचार के खाना ही नहीं खाते, तो आप सर्दियों में इस तरीके से नींबू का अचार ज़्यादा मात्रा में बनाकर पूरे साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। मैंने अपने चैनल पर काफ़ी तरह के अचार की वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में सारी अचार की वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको ये नींबू का अचार बनाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और यदि आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, हमने सारे नींबूओं को एक जैसा काटा है। अब इन बीजों को अलग प्लेट में निकाल देंगे। नींबू के बीज अचार डालने से पहले ही निकाल देंगे तो जब अचार को खाएंगे तो बार बार बीज निकालने का झंझट ही खत्म हो जाएगा और अचार खाने में भी अच्छा लगेगा। अब इन बीजों को साइड में रख देंगे और एक बड़ा बोल लेंगे, इसमें ये कटे हुए नींबू डाल देंगे। जिस बोल में भी आप ये नींबू डालेंगे तो वो बोल बिल्कुल साफ़ और सूखा होना चाहिए, और वो बोल कांच, चीनी मिट्टी या फिर प्लास्टिक का हो तो ज़्यादा अच्छा है। स्टील, पीतल, एल्यूमिनियम और तांबे का बोल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप इसमें डाल देंगे 3 चम्मच नमक, ये नॉर्मल वाला नमक है जो हम घर में डेली यूज करते हैं, और 1 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। आप इनको अच्छे से मिला देंगे। हल्दी बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप यदि हल्दी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि नींबू का अचार इस तरीके से बनाएंगे तो हल्दी डालनी ज़रूरी नहीं है। वैसे थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे तो अचार का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप ये सोच रहे होंगे कि 1 किलो नींबू में 3 चम्मच नमक ज़्यादा रहेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि नींबू के छिलके बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। नींबू का अचार बनाते टाइम छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, यदि अचार डालते टाइम थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो नींबू का अचार कड़वा हो सकता है। हमने जो ये 3 चम्मच इसमें नमक डाला है, ये नींबू के छिलके के कड़वेपन को ख़त्म करेगा। नमक और हल्दी अच्छे से मिक्स हो गया,
आप इसको ढक देंगे और 2 दिन के लिए किचन में ही रख देंगे, यानी कि 48 आवर्स के लिए ढककर इसको किचन में ही रखेंगे। वैसे आप नींबूओं को ढककर धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको धूप में नहीं रखूंगी। आपको बस एक बात का ध्यान जरूर रखना है, नींबूओं को दिन में एक बार चम्मच से उलट पुलट करते जरूर रहना है। और अब अचार के लिए मसाला तैयार करेंगे। हमने अभी गैस को जला नहीं रखा है, जब सारा मसाला पैन में डाल देंगे तभी गैस को ऑन करेंगे। आप पैन में डाल देंगे 3 चम्मच सौंफ, सौंफ इस अचार में जरूर डालनी है, 2 चम्मच डालेंगे साबुत धनिया, 1 चम्मच कच्चा जीरा और 2 चम्मच डालेंगे पीली सरसों। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आपके पास अभी घर में पीली सरसों नहीं है तो 2 चम्मच काली सरसों भी डाल सकते हैं। आप गैस को जला देंगे और अब इनको भून लेंगे, मसालों को हल्का सा भून लेंगे तो मसालों की नमी खत्म हो जाएगी। और यदि आप मसालों को भूनना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप मसालों को 1 घंटे के लिए धूप में भी रख देंगे तो भी मसालों की नमी खत्म हो जाएगी। आप मसालों को चाहे तो हल्का सा भूनें या फिर धूप में रखें, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मसालों में नमी नहीं रहनी चाहिए। वैसे मसालों को हल्का सा भून लेंगे तो मसालों की नमी तो खत्म होगी ही, अचार में भुने हुए मसालों का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और अचार भी लंबे टाइम तक चलेगा, खराब नहीं होगा। 1.5-2 मिनट में ही मसाला अच्छे से भुन गया, आप इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। हमने गैस को बंद कर रखा है, पैन अभी बहुत गर्म है तो अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच मेथी, थोड़ी सी मेथी अचार में ज़रूर डालनी है, 1/4 चम्मच डालेंगे कलौंजी और 1/4 चम्मच ही डालेंगे अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन भी नींबू के अचार में ज़रूर डालनी है। अब इनको भून लेंगे, हमने गैस को जला नहीं रखा है, गर्म पैन में ही हम इन मसालों को भून रहे हैं। मसालों को ज़्यादा भी नहीं भूनना चाहिए, कई बार मसाले ज़्यादा भून जाते हैं तो भी अचार में हल्का सा कड़वापन हो जाता है। अजवाइन, कलौंजी और मेथी भी हल्की सी भुन गई, इनको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। जो हमने पहले मसाला भुना है उसमें इसको नहीं मिलाएंगे, इसको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। और नींबू को भी 2 दिन हो गए नमक लगा कर रखे हुए, यानी कि 48 आवर्स हो गए इनको नमक लगा कर रखे हुए। अब इनको देख लेते हैं, हमने इनको बीच बीच में भी चम्मच से उलट पुलट किया है, नींबू में हल्का सा चिपचिपापन हो गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो ये पानी है ये नमक का पानी है, नींबू में नमक लगाकर 2 दिन के लिए रख देंगे तो 2 फायदे हैं, एक तो नींबू के छिलकों का कड़वापन दूर हो जाएगा और नींबू 90% पक जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ नींबू कितने अच्छे से गल गए, आप अब इस अचार को बनाते ही तुरंत खा सकते हैं। अब इन नींबूओं को छलनी में डाल देंगे ताकि इसमें जो ये एक्स्ट्रा नमक है वो सारा निकल जाए। वैसे आप इस नमक को नहीं भी निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनको छलनी में ही रख कर साइड में रख देंगे। और ये जो मसाला हमने भुना है ये भी ठंडा हो गया, अब इसको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए मसाले को दरदरा पीसना है, इस अचार में मसाले को दरदरा पीस कर डालेंगे तो अचार दिखने में भी अच्छा लगेगा और अचार खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब इसको भी साइड में रख देंगे। और जो ये नींबू हमने छलनी में डाल कर रखे हैं इसमें से सारा नमक का पानी निकल गया, अब इन नींबूओं को उसी बोल में डाल देंगे जिसमें हमने नमक लगा कर नींबूओं को रखा था। अब आप इन नींबूओं का अचार बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अचार बनेगा। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती, इससे अचार का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और 1 चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, वैसे ये अचार चटपटा ही अच्छा लगता है। और 1/2 चम्मच डालेंगे गरम मसाला, गरम मसाला भी ज़्यादा नहीं डालना है। और अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच काला नमक, थोड़ा सा काला नमक डालने से अचार का टेस्ट डबल हो जाएगा। हमने नींबूओं में से नमक का पानी इसलिए ही निकाला था ताकि हम मसाले में थोड़ा सा काला नमक डाल सके, वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/4 चम्मच के करीब इसमें डालेंगे हींग, थोड़ी सी हींग भी अचार में ज़रूर डालनी है। और अब इसमें ये मसाला डाल देंगे जो हमने दरदरा पीस कर रखा है, सारा ही डाल देंगे। और जो ये मेथी, अजवाइन, कलौंजी हमने अलग से भूनी है इनको साबुत ही अचार में डालेंगे, इनको पीसना नहीं है, हमने इनको इसलिए ही अलग से भूना था। अब इन मसालों को अच्छे से मिला देंगे, आप जब इस अचार को डब्बे में डालेंगे तो वो डब्बा कांच या चीनी मिट्टी का हो तो ज़्यादा अच्छा है, और डब्बा साफ़ और सूखा भी होना चाहिए। और डब्बे में से जब खाने के लिए चम्मच से अचार को निकालेंगे तो वो चम्मच भी साफ़ और सूखी होनी चाहिए, यदि चम्मच भी साफ़ और सूखी नहीं होगी तो भी अचार ख़राब हो सकता है।
आप अचार डालते टाइम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा। मैं ये नींबू का अचार खट्टा चटपटा मसालेदार बना रही हूँ, इसलिए इसमें चीनी नहीं डाल रही। आप यदि खट्टा मीठा नींबू का अचार बनाना चाहते हैं तो आप मसाला मिलाने के बाद इसमें चीनी डाल सकते हैं। 1 किलो नींबू के अचार में 1/2 किलो चीनी डालेंगे तभी नींबू का अचार खट्टा मीठा और टेस्टी बनेगा। मैंने शुरुआत में बोला था कि मैं लास्ट में 2 चीज़ें बताऊंगी, आप उनको अचार में डाल देंगे तो अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो आप अचार में 1/2 कटोरी सफ़ेद सिरका डाल सकते हैं, ये वजन में 40 से 50 ml है। सिरका प्रिजर्वेटिव होता है, इससे अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि नींबू भी खट्टा होता है तो सिरका डालने से अचार और ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिरका डालने से अचार का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और अचार ख़राब भी नहीं होगा। और यदि आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आप कितनी भी सफाई से और बहुत अच्छे तरीके से अचार डालते हैं तो भी आपका अचार ख़राब हो जाता है, तो आप 1 किलो नींबू के अचार में 1/2 चम्मच सोडियम बेंजोइट डाल सकते हैं। ये एक प्रिजर्वेटिव है, इससे आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। मार्केट में जो अचार मिलता है उसमें भी वो लोग सोडियम बेंजोइट ही डालते हैं ताकि अचार ख़राब नहीं हो। आपको ये नींबू का अचार बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।